नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। तो यार, आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस आप सब लोगों से है, खुद से है कि जैसे टॉपिक ये कि सबसे ज़्यादा पैसा आपका किस चीज़ पे खर्च होता है। जैसे आपका ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, शॉपिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, तो आपका एक पर्सनल एक्सपेंस सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर खर्च होता है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का, मेरा तो ज़्यादातर खर्चा जो होता है वो ट्रैवल और फूड पे, फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रैवल। ट्रैवल में सबसे ज़्यादा पैसे एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं, और फिर जो बचता है वो थोड़ा खाने पीने पे, फिर ऐसे घूमने टहलने में बाकी पैसे खर्च जाते हैं। तो चलो ठीक है, थोड़ा बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी, जैसे मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, किसी ना किसी के, सबके पैसे लगभग खर्च ही हो रहे हैं एक तरीके से, कहीं से आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये सेट करो, अगर आप अपने खर्चे पे कंट्रोल रखना चाहते हो और अच्छे से बैलेंस बना के चलना चाहते हो हर चीज़ों में, तो उसके पीछे का ना कुछ एक साइकोलॉजी होती है। जैसे कि सपोज दैट मानो आपको पैसे जो मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करो, और जा कहाँ पर है उसको नोट डाउन करो। आपने सारे खर्चे को नोट डाउन करो, फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस करो डेली बैठ के, अकाउंट्स मतलब डेली अकाउंट्स मैनेज करो कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, और इसको रोकने का क्या क्या कारण होता है। क्योंकि देखो, जैसे हम या आप कोई भी पैसा खर्च करता है ना, तो उसमें से लगभग देखा जाए तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी कभी मतलब ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम उन खर्चों को क्या करते हैं, कर ही देते हैं। वो जैसे शॉपिंग हो गई, या फिर ट्रैवल हो गया, या फिर और कोई काम हो गया, कि एक्चुअली उस खर्चे की मुझे ज़रूरत नहीं थी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो उसको 7 दिन तक उसका वेट करो, और 7 दिन तक वेट करने के बाद आप ये देखो कि उस चीज़ की हमें एक्चुअल में ज़रूरत है कि नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर उस चीज़ की आपको नीड पड़ रही है तब तो खरीदो, नहीं तो फिर थोड़ा निगलेक्ट करो उसे, साइड बाय साइड करो। हो सकता है ना खरीदो उसे, ना खरीदोगे तो आपका भी कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता प्रॉफिट, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप नोट डाउन करो, आप जितनी भी चीज़ें खरीदना है आपको उन चीज़ों को नोट डाउन करो, और उसमें से फिर कुछ चीज़ों को छाँटो, मतलब फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, तो आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज जाएगी। और जो भी आप अर्न कर रहे हो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1 लाख कमाने वाला भी कर्ज में और 10,000 रुपया कमाने वाला भी खुशी से जी रहा है, अपने खर्चे मैनेज कर रहा है, तो उसका मनी मैनेजमेंट अच्छा है। और मनी मैनेजमेंट आपके लाइफ में या फिर किसी भी चीज़ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ को जनरेट करने के लिए कैसे मनी मैनेजमेंट होता है, और पैसे से पैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको पैसे से पैसा बनाना आता है, उनको पता है और उन्होंने उस चीज़ को सीखा है। तो मनी मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो खुद से अंदर एक डिसिप्लिन होती है। अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो पैसा कोई बड़ी चीज़ मतलब बनाना कोई बहादुरी का काम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जिनको जो नहीं बना पा रहे उनके लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। तो पैसे के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो आप पैसा अच्छे से बना लोगे। और दूसरी चीज़, जैसे कुछ बुकें हैं, अगर उनको बुक को पढ़ोगे तो आपको पैसे के बारे में बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहले चीज़ है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ लो, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ लो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, पैराबल द पाइपलाइन पढ़ लो। ये सारी ऐसी बुकें हैं जिन बुकों को पढ़ने के बाद ना आपको पैसे की चीज़ें, टैक्स क्या होता है ये चीज़ समझ में आ जाएगी, पैसे का एक्सपेंस किस वे से होता है ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। और अगर इन्वेस्टमेंट में घुसना चाहोगे तो इन्वेस्टमेंट की बुकें हैं कुछ, लेकिन उनको बुक को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट बताने की बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारी लगभग 4 मिनट की वीडियो बन गई, 1 मिनट हमें और इसी टॉपिक पे बात करना है, मनी मैनेजमेंट पे और एक्सपेंस पे, खर्चे को कैसे मैनेज करना है। लेकिन आप लोग ज़रूर बता देना कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा किन चीज़ों में खर्च होता है, ट्रैवल में, फूड में, शॉपिंग्स में, आपके फैब्रिक्स हो गए और लग्जरी चीज़ें हो गई, तो इन सारी चीज़ों का, या फिर रूम रेंट हो गया, हाउस रेंट, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पे खर्च करते हो जो मुझे पता था मैंने बताया, आपको अगर कुछ और चीज़ें बताऊँ तो उन चीज़ों को बताना। देखो एक चीज़ और बताऊँ, इस वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पज नहीं था, तो मेरे को वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि 4-5 मिनट की मेरे को चोचलेबाजी वीडियो को बनाना होता है। तो अब भाई ये मेरे लिए एक जस्ट लाइक काम होता है, जैसे वो ब्रायन ट्रेसी की बुक है ना, ईट्स दैट फ्रॉग, तो मेंढक खाना मेरे लिए है। तो सुबह जब तक बन नहीं जाती ना तब तक लगता है कि खाना है मेंढक, खाना है मेंढक, तो बट मेंढक नहीं खाना है मुझे, इस काम को करना था ख़त्म।
उस चीज़ के लिए ख़त्म किया। और मनी मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप अगर मनी मैनेजमेंट आपका सही है तो आप बड़े बड़े बिजनेस रन कर लोगे, अपनी एक्सपेंस मैनेज कर लोगे और जो चीज़ें आपने लाइफ में ना अच्छा ग्रोथ कर लोगे। तो बस मिलते हैं फिर अगली।